समझ नहीं आता कि आप दरवाजे के पास सोते हैं या सेंसर्स लगवाए हुए हैं आपने। ठीक है, तुम ये बताओ। नहीं पूछे क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी। तुम्हारी लाश ना गिरा दूं मैं यहाँ। और गुस्सा मत दिलाओ, अंदर चलो और हर सवाल का जवाब दो। यस सर। गुड मॉर्निंग दादा। सब खैरियत तो है ना बेटा? तुम इस वक्त ऑफिस से वापस आ रहे हो? मैं ऑफिस में ही सो गया था दादा जान। कहें तो कसम खा लूं आपकी। आप इस वक्त कहां से आ रहे हैं यालिन साहब? कैसी हैं आप हसीना? मजाक नहीं करो। ये बताओ कि तुम कल रात से घर से कहां गायब थे? मुख्तलिफ लड़कियों के साथ घूमते रहते हो ना। तुम जो बिगड़े हो ना, इसके पीछे सिराज साहब का ही हाथ है। आखिर में तुम्हारी मुसरत का दिन कब देखूंगी, बताओ ना कब? मैंने मुसरत से कहा था कि वो साथ चले। आप उससे मिलना चाहती हैं लेकिन उसने मना कर दिया। मुसरत को? तुम सुबह तक मुसरत नाम ही लड़की के साथ थे। कुछ नहीं, सब ठीक है, बस जरा सा दर्द हो रहा है। इस दुनिया में आखिर हो क्या रहा है? देखो जरा, लड़का लड़की सारी रात एक साथ घूमते रहते हैं। अगर तुम्हें वो मुसरत नामी लड़की पसंद है तो उससे शादी करके घर क्यों नहीं ले आते? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ डेफने, तुम कहाँ थी और किसके साथ थी? डेफने? भाई, अगर मैंने बता भी दिया कि मैं कहाँ थी तो आप यकीन नहीं करेंगे। डेफने, किसके साथ थी तुम, ये बताओ। ठीक है, आप इंसिस्ट कर रहे हैं। पिनोकियो के साथ टॉयलेट में थी। पिनोकियो के साथ टॉयलेट में? मैं मजाक के मूड में नहीं हूं इस वक्त, जानती हो ना? देखा ना, जानती थी, यकीन नहीं करेंगे इसलिए नहीं बता रही थी। हद है, मेरे खुदा मुझे सब्र भी दे और बर्दाश्त भी दे और मुझे कत्ल जैसे गुनाह से बचा ले आप। अच्छा समझ गया, आज से ये जॉब खत्म, तुम्हारी घर पर ही रहोगी तुम अब। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है पहले ये तो बताएं। उसने मुझे बाथरूम में बंद किया था, सारी गलती उसकी है, मुझे क्यों सजा मिल रही है? मैं क्यों जॉब छोड़ूं? क्या उसने तुम्हें टॉयलेट में बंद कर दिया था? हाय तुम जानती हो मैं अब उसके साथ क्या करने वाला हूं? उसने मेरी बहन को टॉयलेट में बंद कर दिया था। ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। देखा तुम अपने कमरे में नहीं थे, घर पर नहीं थे क्या? हाँ नहीं था। डेफनी के साथ थे? हाँ शायद। हाँ। याद है तुमने कहा था हम दोनों के रास्ते जुदाई? मुझे एक दिन से ज्यादा मोहब्बत नहीं होती, अब इसे देखो। अब मैं तकलीफ नहीं सहना चाहती, दूर हो जाओ। बेवकूफ प्रिंसेस, क्या तुम रो रही हो? मैं अंदर आ सकता हूँ? इतना हाशा प्यार था मुझे तुमसे, लेकिन अब मेरे दिल में कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए। इनका भी ब्रेकअप हो गया। यूसुफ और ज़ैनब भी अब साथ नहीं रह सकते। घर वाले नहीं मानेंगे। सब ठीक हो जाएगा प्रिंसेस। लेकिन मैंने फिर भी सच में और ये क्या सुबह तुम आइसक्रीम खा रही हो? लेकिन तुमने क्या? कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। दानिश, ये पहली नजर की मोहब्बत थी, आइसक्रीम से भी कम ठंडा नहीं हो रहा है। दानिश, मुझे तो सिनान से शदीद मोहब्बत हो गई है। कहा ना तुम जल्द भूल जाओगी। ऐसा नहीं होगा। उसका चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने ही रहता है, कभी भी नहीं हटता। कभी एक नहीं हो सकते सेना। अरास, बाहर निकलो। अरे देखो तो जरा, इसने क्या हाल किया है। हर वक्त उसकी आवाजें कानों में गूंजती रही। मेरे ख्याल से मैंने उसकी आवाज सुनी अभी। अल्लाह अल्लाह, कहीं मुझे भी उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई। अरास, बाहर निकलो अभी। अब क्या है यार, मैं कहता हूँ बाहर निकलो। आज तुम्हारी खैर नहीं। बस करो यार, बहुत हो गया। आज कुछ मत कहना तुम। बच्चों क्या हुआ? ये कैसा हंगामा है? हंगामा कैसा दादा जान? हाँ, हमने तो कुछ नहीं सुना। तुमने कैसे नहीं सुना? आवाज बाहर पूल से आ रही है। नहीं, कोई आवाज नहीं आई। आपने कोई आवाज सुनी मफ्तून आपा? बताएं, क्या सुना कुछ आपने? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई है। नहीं तो मैंने भी कोई आवाज नहीं सुनी। नहीं सुनी मैंने। कोई भी ऐसे नहीं चिल्लाया कि अराज अभी बाहर आओ जल्दी से। कोई नहीं चिल्लाया ऐसे। अगर किसी ने चिल्लाकर ये नहीं कहा कि अराज बाहर निकलो, तो फिर तुमने कैसे सुन लिया? मैंने कैसे सुन लिया? आप ही ने तो कहा भी, आपने ही तो कहा भी कि कोई चिल्लाया कि अराज बाहर आओ जल्दी से। मैंने कहा? हाँ। मैंने ऐसा कब कहा? हाँ। आपको याद ही नहीं है कि आपने क्या कहा अभी। शायद आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा होगा ये आपके लिए। मुझे आपकी जहनी कैफियत ठीक नहीं लग रही सिराज साहब, शायद बुढ़ापे की वजह से। दादा जान, कुछ अरसे से आप काफी भूल रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक काम करते हैं, वो ये कि हम सुडोको सॉल्व करेंगे। ये याददाश्त के लिए बेहतरीन मश्क है। चले आए, चले। तूने मेरी बहन को सुबह तक टॉयलेट में बंद रखा। हाँ, तुझे पता है ना मेरी बहन है वो। मेरी बहन है वो, समझा? रुक जाओ, मेरी बात सुनो, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। तुम मारो ना, मारना। भाई ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? हाँ यशिम, ये कौन है? ये मेरे भाई का बहनोई है। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? तो मतलब ये तुम्हारा? नहीं, वो मैंने गलत कह दिया आपसे। मेरा भाई इसका बहनोई है और ये भाई की होने वाली का भाई है, तो हाँ ये फिर इसका साला हुआ ना। अब समझ में आई बात? मुसरत का भाई है ये। मुसरत कौन भाई? अरे ये डेफ्ने का भाई है। तो इसका मतलब डेफ्ने का भाई यालिन को इसलिए मारा है कि उसने डेफ्ने को धोखा दिया। मैं कोई बूढ़ा नहीं हुआ, अब भी तुम सबसे ज्यादा तेज कान है मेरे। लो पकड़ो अपना सुडोकू, इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। अरे दादा जान, चलो हटो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम सबसे ज्यादा जवान हूँ मैं। अब क्या करूँ मैं? दादा जान आ रहे हैं। भाई दादा आ रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम संदात ले रहे हैं दादा। वो भी पजामा पहनकर? वो दरअसल हमने पजामा पार्टी मनाने का फैसला किया है पुल के पास। हाँ हाँ, इस लड़की ने पैजामा पार्टी करने पर इसरार किया। थोड़ी देर के बाद तो हम एक दूसरे की चुटिया भी बनाएंगे। सुभान अल्लाह। बचाऊंगी और खुशी खुशी दादा जान को उसका गला दबाते हुए देखूंगी। क्या पागल हो गए हैं आप दोनों? चले निकले बाहर। चलो चलो। तुम तो अपनी रात अंदर करो। तुमने मेरी बहन को रात भर टॉयलेट में बंद कैसे करके रखा? हाँ? क्या यार, डेफ्ने और तुम दोनों ने पूरी रात टॉयलेट में गुजारी, वो भी अकेले? ओह नहीं करो दानिश, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। समझ नहीं आ रही। यालिन! हाँ, तुम जल्दी आओ यहाँ। मैं बाथरूम में नहीं छुपूंगा, लेकिन जब तुम्हारी दादी आ गई थी तो हम दोनों छुपे थे। चलो जल्दी मेरे साथ। बेटा बेटा क्या हुआ तुम्हें? दादा जान, वो आवाजें यलिन की ही थीं। ये पूल में फिसलकर गिर गया था। बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक पहुंचा है। मफ्तून, फौरन फर्स्ट एड किट लेकर आओ यहाँ। मैं ठीक हूँ दादा जान। ये क्या खानदानी रिवाज है तुम्हारा? क्या टॉयलेट में छुपना? और क्या? ओ गधे, जैसे कि मैंने तुम्हें शौक से बंद किया है, तुम्हें मैंने अपने दादा जान से बचाया है। अगर वहीं छोड़ देती ना, तुम अपनी छड़ी से तुम्हारा सर तोड़ देते। ऐसा है? अफसोस होता तुम्हें? यकीनन मुझे अफसोस होता। बहुत ही कीमती छड़ी है उनकी। अगर वो तुम्हारे बेकार दिमाग पर टूट गई तो अच्छा नहीं होगा। वैसे इस तरह से घर में क्यों घुसे? डाकू हो क्या तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारे भाई ने जो मेरी बहन को टॉयलेट में बंद किया, क्या वो बिल्कुल सही तरीका है? कहीं मैं कत्ल न कर दूं उसका? ये कैसी आवाज थी? कोई चिल्ला रहा था। यकीनन कोई चिल्लाया। मुझे डाकू का लफ्ज सुनाई दिया। अल्लाह अल्लाह। दादा जान, क्या हम पहाड़ों पर रहते हैं? मेरी बात माने दादा जान, आप नाराज तो होंगे, लेकिन आपको इलाज की जरूरत है। खामोश! मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मैं अपनी छड़ी से तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। बूढ़े तुम होगे। मुझे आवाज आई थी। दानिश ठीक है, जाकर बाहर देखो, कहीं बाहर से आवाज आ रही होगी। अगर आपको सहमत ना हो तो आप मुझे बर्फ ला देंगे प्लीज? ठीक है बेटा, अभी लाई। दादा जान चले, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। तुम अपना ख्याल रखो बस। लेकिन आपने सुबह से इस तरह बाजू को पकड़ा हुआ है। क्या मतलब? अब तुमसे पूछकर मैं अपने जिस्म का कोई हिस्सा पकड़ूंगा? ये शाम उधर रोके खड़ी हो। बदतमीज, किसी लड़की से इस तरीके से बात करते हैं? हा? देखो मुझ में भी दिल है, इतना करीब मत आया करो मेरे। यशम पीछे हो जाओ, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा फिर मत कहना। तुम कुछ नहीं कर सकते, हमारा ब्रेकअप जो हो चुका है। हाँ जानता हूँ। तुम ठीक नहीं लग रहे। वो फिशिंग पर गया था, जागता रहा सारी रात। मैं भी ड्रामा देखते देखते सारी रात रोती रही। क्या ड्रामा देखकर रोना आ जाता है? खुद को रोक रहा था मैं तुम्हारे करीब आने से। तुम कांप क्यों रही हो? हाँ? नहीं डर रही हूँ। डरने की क्या बात है इसमें? मुझसे कोई खतरा नहीं है तुम्हें। पागल हो तुम। वो तो मैं हूँ। सही कहा, लेकिन बहुत डरपोक भी हो तुम। बात सुनो रेशम, अगर कुछ हो गया तो छोड़ नहीं पाऊंगा कभी। दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ है तुमने? तुम लॉक बाथरूम में मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? हाँ देखो तो सही, बात कौन कर रहा है? आंखें नीचे कर। अरे बस करो, बहुत हो गया। अरे बस भी करो, कब से मुर्गों की तरह लड़े जा रहे हो? बस करो अब, बहुत हुआ। ये लड़ाई उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक ये बताएगा नहीं कि मेरी बहन को टॉयलेट में क्यों बंद किया था। ठीक है, बैठ जाओ। पहले मुझे कुछ पहनने दो, फिर मैं सब बताता हूँ तुम्हें। उफ, मैं तो गई। भाई को सब कुछ पता चल जाएगा कि मैंने उनसे झूठ बोला है। जैसे ही भाई उसके पास पहुँचेंगे, वो भाई से कह देगा कि आपकी बहन ने तो आपसे झूठ बोला था, ओवर टाइम का तो मैंने कहा ही नहीं था उससे। और फिर वो भाई की नजरों में अच्छा बन जाएगा और बुरी बन जाऊंगी मैं। हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कहीं और गए हो, क्योंकि मैं जानती हूँ जितने जोश से वो घर से निकले थे, वो यकीनन उसी के पास गए होंगे, उसका सर फाड़ने के लिए, उसकी जान लेने के लिए। क्या वाकई तुम्हें खुश कपड़े नहीं चाहिए? जरूरत नहीं, खुद सूख जाएंगे। अब अगर तुम्हारा मेकअप खत्म हो गया हो तो मुझे बताओ मेरी बहन को क्यों बंद किया था वहां पर? वो तंग कर रही थी, ठीक है, हमें काम फौरन खत्म करना था, लेकिन वो झगड़ रही थी, काम ही नहीं करने दे रही थी, इसलिए मैंने काम करने के लिए उसे टॉयलेट में बंद कर दिया। उसे आधे घंटे बाद निकालना था मुझे, लेकिन मैं सो गया। देखो बुरा मत मानना यार, तुम्हारी बहन बहुत बोलती है। पहली बात, तुम मेरी बहन को बातूनी नहीं कहोगे, और दूसरी, अगर मुझे पता होता कि तुम ये बर्ताव करोगे तो मैं उसको ओवरटाइम करने की इजाजत कभी भी नहीं देता। और तीसरी, अब तुम सुकून से ही रहोगे, क्योंकि उसको काम करने की इजाजत वो भी तुम्हारे ऑफिस में मैं नहीं दूंगा। लेकिन सिनान। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरी बहन के साथ कोई भी ऐसा सलूक नहीं कर सकता है। डेफ्ने बहुत ही जल्द रिजाइन कर देगी, और बरूची शिपिंग के साथ तो बिजनेस डील भूल ही जाओ। ये बच्चा दोबारा मछली पकड़ने क्यों चला गया? उसे बता तो देते कि घर में मछली मौजूद है। मैंने बताया था उसे, और ये भी कि घर में हर तरफ मछली ही मछली है, लेकिन उसने कहा कि वो शाम में आएगा और फोन बंद कर दिया। ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम जाल में फंसी मछली की तरह क्यों तड़प रही हो? मैं जाकर देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू या अल्लाह मदद, आमीन। अल्लाह बस एक दफा बचा ले मुझे, और फिर मैं पूरे 1 महीने तक झूठ नहीं बोलूंगी, किसी से भी झूठ नहीं बोलूंगी, कोई भी झूठ नहीं बोलूंगी। भाई यालिन से मिलने गए थे ना आप? हम्म। 1 नंबर का झूठा इंसान है वो भाई, अपनी तरफ से बनाई है उसने सारी कहानी। उसकी किसी बात पर यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि उसने आपसे हर चीज झूठ कही है, यकीन करें। सब सच बताया उसने। अच्छा अच्छा भाई, मेरा कजन आपकी बहन को डिनर पर लेकर जा रहा था, अल्लाह जाने क्या इरादे थे उनके, और मुझे तो खौफ खुदा है, खुद से कहानियां नहीं कर सकता, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं, इसलिए ये बात साफ साफ कह रहा हूँ कि आपकी बहन ने आप जैसे बहादुर और गैरतमंद भाई को धोखा दिया, क्योंकि उस जियाफत पर जाने के लिए उसने आपसे ओवरटाइम का झूठ तक बोला। समझ गए? मेरा मतलब है कि वो झूठों की मलिका है। तो उसने आपको सब कुछ सच बता दिया? हाँ बिल्कुल, और क्या, उसने सब सच बताया मुझे। ये भी कहा कि तुमने उसका इतना दिमाग खाया, बल्कि उसने तो तुम्हारा नाम बातूनी रख दिया है। एक मिनट, सिर्फ यही बताया? इतनी इंसल्ट काफी नहीं है क्या? और भी जलील होना तुमने। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई क्या अब आप मुझे माफ कर देंगे? मैं वापस जॉब पर जा सकती हूँ ना? बताएं मुझे प्लीज। डेफने, वैसे तुम किस जॉब की बात कर रही हो? हाँ, मेरी बहन को कोई भी टॉयलेट में बंद नहीं कर सकता, समझ आई तुम्हें? बल्कि अब से हमारे और आरास टेक्नोलॉजी के सारे ताल्लुकात खत्म। और सुनो, अब अगर तुम मुझे उसके आसपास भी नजर आई ना, तो मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा जहां से तुम आई हो, समझ आई? ठीक है ना? इसीलिए कहता था कम बोलो। अब देख लो क्या हो गया। उसने कुछ नहीं बताया, मतलब बचा रहा है वो मुझे। यार कैसा लड़का है ये। अल्लाह। आओ बेटा, क्या हुआ? क्या दरख्त पे चढ़ के मछलियाँ पकड़ रहे थे और गिर गए? अभी फजूल सवाल मत पूछे। अब तक रुकी हुई हूँ, बस मुझे खामोश कर देते हो तुम लोग। अब कुछ बोलो भी, चुप क्यों हो तुम? चेहरा तो देखो अपना, क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? दादी जान देखें यार, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। झगड़ा हुआ था किसी से, ठीक है? झगड़ा हो गया था। अच्छा, लगता है इस बार भी तुम उस कंपनी वाले लड़के से पिट कर आए हो। उसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं, लेकिन यहाँ वो आपको कैसे याद आ गया? हाँ, तुम इस तरह जख्मी चेहरा लेके आए हो, और अब इन दोनों को देखो जरा, आंखों ही आंखों में एक दूसरे के साथ इशारेबाजी कर रही है। इनके इशारे तो हर वक्त चलते रहते हैं। अब तो मैं भी समझने लगा हूँ ये। सिनान चाचू हर वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही लड़ते रहते हैं। कल रात भी आप घर नहीं आए। चलो मेरे नन्हे शेर, चलो चलो हम दोनों फुटबॉल खेलते हैं। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ शाबाश, चलो डेफने तुम भी जाओ अपने घर। अब चलो, शाबाश। यही रुको तुम, बताओ मुझे कल रात क्या हुआ था? दादी जान देखें, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है अब, ठीक है? अब मेरा खून और मजीद मत उबाले, बस कर दें, अब बस कर दें, खुदा का वास्ता। उसकी शहरक फड़फड़ा रही थी, वो वाकई बहुत गुस्से में है। छोड़े, आप खाना खाएं। यहाँ बैठो। इदरीस, मेरी बात गौर से सुनो। हर बात इस तरीके से सबके बीच में बैठकर नहीं कही जाती, समझ गए? मैं बस यहाँ तुम्हारा चेहरा देखने आई हूँ। हाय, बहुत अच्छे। एक दिन तो अपना चेहरा ठीक रहने दिया करो, पहले जख्म भरते नहीं कि दोबारा ले लेते हो। तो क्या करता, उसने मुझ पर हमला कर दिया। अगर तुम किसी की बहन को टॉयलेट में बंद करोगे तो वो ऐसा ही करेगा ना। देखो, उस लड़की की भी तो फैमिली है, तुमने ये नहीं सोचा था? मैंने बताया ना, सो गया था। हाँ बिल्कुल, टॉयलेट में बंद करने के बाद दानिश तो नहीं ले जा सकता था। बस इसी बात की खुशी थी जिसमें नींद आ गई। तुम जाओ बस। लेकिन तुमने सिनान को सच नहीं बताया, सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। तुम वाकई डेफने की बहुत परवाह करते हो। हाँ देखो, फिर से शुरू मत हो जाना। मेरे ख्याल से अब तुम्हें भी मान लेना चाहिए, क्योंकि सिनान इस बार सीरियस था। शायद डेफने भी अपने भाई की तरह सोचती हो सकता है हमारे साथ काम ना करना चाहते हो। लेकिन उसका इरादा तुम उससे बात किए बिना तो नहीं जान सकते ना। अच्छा तो फिर क्या है नई डील? कुछ नहीं बताना। शाबाश, और क्यों नहीं बताना? क्योंकि एक बहादुर लड़का किसी को कुछ नहीं बताता। बहुत अच्छे, तो फिर क्या करता है जरा बताना? वो अपने मसाइल खुद हल करता है। ये हुई ना बात। आओ यहाँ मारो, अब यहाँ भी मारो, जबरदस्त पंच मारो। हाँ, और जोर से। इतनी रात में क्यों कॉल की है? डेफने, अगर तुमने ये जानने के लिए कॉल की है कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ तो बुरी खबर है कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, जिंदा हो तो हम बात कर सकते हैं ना? हाँ कहो। फोन पे नहीं, आमने सामने। ओह, ये तो मुमकिन नहीं, क्योंकि आज किसी ने मुझे टॉयलेट में बंद कर दिया था तो मेरे भाई ने जॉब पर जाने से मना कर दिया। हाँ ये बिल्कुल मुमकिन है। नीचे आओ। क्या तुम नीचे हो क्या? यार तुम बिल्कुल पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्यों आए हो? लगता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अगर भाई ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों आए हो यहाँ पर? चले जाओ। तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से मुझे ये लोग गांव भेज देंगे, समझे तुम? या तो तुम नीचे आ जाओ या फिर मैं खुद ऊपर आ रहा हूँ। किसी कीमत में नीचे नहीं आऊंगी। चले जाओ यहाँ से। ठीक है मत आओ, मैं खुद आता हूँ। खबरदार नहीं आना। रख दिया। चाहते हो भाई? अल्लाह, आज तो भाई से छोड़ेंगे ही नहीं। मुझे हमेशा के लिए गांव भेज देंगे। यार यालिन, खुदा का वास्ता है, प्लीज चले जाओ तुम यहाँ से। अल्लाह, किस गुनाह की सजा है ये शख्स। चाचू। हाँ। आपने कहा था कि चुगली नहीं लगानी है ना? हाँ। तो किसी से कुछ नहीं कहना है ना? नहीं मेरी जान, अच्छे बच्चे नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते इस तरह। तो किसी से कुछ नहीं कहता। चलो बॉल हिट करो। चाहते क्या हो? हाँ, कि मेरा भाई भरी जवानी में मेरी जान ले ले, मार दे मुझे। अगर आज मैं पकड़ी गई तो बर्थडे वाले दिन ही मेरी मौत हो जाएगी। बर्थडे सॉन्ग की जगह फातिहा होगी। हाय, काश कि तुमसे कभी मैं मिली ही नहीं होती। देख क्या रहे हो? अगर भाई यहाँ पर आ गए ना तो हम दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। उठा के सीधा नीचे फेंक देंगे, देख लेना। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम क्या लग रहा है यालन के लतीफे सुना रही हूँ मैं तुम्हें? हंस क्यों रहे हो बताओ मुझे। मैं ये लाया। क्या करूँगी इसका? तुम ये इसलिए लाए हो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला था। लेकिन तुम तो ये जानते ही नहीं कि आज के बाद मैं कभी भी किसी भी इंसान से किसी भी किस्म का झूठ नहीं बोलने वाली हूँ। इसलिए अगर भाई यहाँ आ गए तो मैंने बता दूंगी कि तुम यहाँ पर। डेफने। चुप हो जाओ। देखो, जानता हूँ टॉयलेट में बंद करना बड़ी गलती थी। कभी कभार वाकई एक जानवर बन जाता हूँ। कभी कभी। डेफने। ठीक है ठीक है, समझ गई, बस तंग कर रही थी। अब तुम ये ले लो, लेकिन झूठ की वजह से नहीं। जानती हो गैपैतों ने इसे लकड़ी से बनाया है। ये एक पपेट है, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे भी लकड़ी का एक पपेट ही समझो। तो ये कोई प्रपोजल है? हाँ, एक बिजनेस ऑफर। बिजनेस ऑफर, सिर्फ बिजनेस। हाँ यकीनन बिजनेस ऑफर है, लेकिन भाई नहीं मानेंगे। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं तुम्हारे भाई को भी मना लूंगा। बिल्कुल, ताकि वो तुम्हारा बाकी का चेहरा भी बिगाड़ दे। सही, तुम्हारे लिए थोड़ी और तकलीफ भी बर्दाश्त कर लूंगा। शौक से। तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? इतना सा भी नहीं लगता है मुझे। इतना सा भी नहीं? हाँ, क्या बात है। चलो इसे अंदर ले जाओ, फिर जल्दी करो। तुम भी ना। ऐसी शक्ल में बिल्कुल भूत नहीं लगती हो। अब एतराफ कर लो कि मैं भी तुम्हें भूत लगता हूँ। लगते तो हो भूत जैसे तुम, लेकिन थोड़े से। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कम कर लो। इतना ठीक है। चलो हम दोनों की नहीं, कुछ बीच का रख लेते हैं। तो मैं अपनी पप्पू के कमरे में चढ़ने का मजा चखाता हूँ। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम बच्चे? उसके कमरे में गया था? अरे हम तो लुट गए। जानते हैं आपके उस बदमाश पोते ने उसने डेफ्ने को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या? हाँ।